देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी लाइसेंस के बिना वाहन चला रहे हैं उनको हम वाहनों को जब्त कर रहे हैं और जो उचित समन की कार्रवाई कर रहे हैं। ज़्यादातर कुछ जगहों पर कोडिंग, आजकल कोडिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज 18 टेम्पू हम लोग जब्त किए हैं और एक अभी कार को जो काला शीशा था उस पर समन की कार्रवाई किए हैं। प्रतिदिन समन की कार्रवाई, जो इस तरह से अवैध रूप से वाहन चला रहे हैं बिना लाइसेंस के उन पर समन की कार्रवाई की जा रही है। अगर आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। कड़ाके की इस ठंड में पटना वाले अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर आप देख लें। बता दें कि राजधानी पटना में कई जगह जाम की स्थिति जो है बनी रहती है। ऐसे में पटना ट्रैफिक की ओर से जो है सघन अभियान चलाया जा रहा है और अभी इस वक्त मीठापुर में जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह खुद पटना ट्रैफिक DSP अनिल कुमार हैं, साथ में ही उनके जितने भी पदाधिकारी हैं वह इस अभियान में, सघन अभियान में जो है जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से कि चेकिंग चल रहा है। अगर आप मीठापुर तरफ आप आ रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। आपको हर प्रकार से जो है आपसे हर प्रकार से पूछा जाएगा और आप कागजात जो है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, प्रदूषण हो, तमाम तरह की चीज़ें जो है आप साथ में लेकर चलें तभी आपका खैर है, नहीं तो आप यहाँ बच नहीं सकते हैं। जिस तरह से लहरिया कट का जो चलाते हैं गाड़ियों को, ऐसे लोग जो हैं वह भी सावधान हो जाएं क्योंकि आए दिन यहाँ जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो अभी जाम की स्थिति ऐसी नहीं बनी हुई क्योंकि ये लोग जो हैं खुद नियंत्रण करने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि नियम का पालन करें, अन्यथा अगर आप शामिल रहते हैं या फिर आप किसी तरह की चूक करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप पर हो सकता है कि हजारों रुपए, यानी हज़ार का मतलब आप ये मत समझ जाइए कि हज़ार रुपए का मतलब 1000, आप पर 10,000, 20,000, 50,000 का भी चलान कट सकता है। हालांकि ट्रैफिक नियम रूल को देखते हुए कुछ डिजिटल अब चलाने भी काटने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। फिर भी लोग कुछ सचेत हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वह नहीं मानने को तैयार हैं। वैसे लोगों को जो है नियम का पालन सिखाया जा रहा है और अगर नहीं मानते हैं लोग तो उन्हें जो है कई तरह के चीज़ें भी बताई जा रही है। बात करने की भी कोशिश करते हैं कि इस सघन अभियान के तहत जो है क्या कुछ लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जाम की स्थिति बनी रहती है पटना में वो ऑटो चालक का जो है आरोप लगाया जाता है। हालांकि ये लोग का भी पेट का सवाल है, अगर ये घर बैठेंगे तो इनका घर परिवार कैसे चलेगा। बात करने की कोशिश कर इसी सूचना मिल रही है कि बिना लाइसेंस के चालक चला रहे हैं जिसके चलते आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग इस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी लाइसेंस के बिना वाहन चला रहे हैं उनको हम वाहनों को जब्त कर रहे हैं और जो उचित समन की कार्रवाई कर रहे हैं। ज़्यादातर कुछ जगहों पर कोडिंग, आजकल कोडिंग अभियान चलाया जा रहा है, इसके चलते भी क्राइम की कुछ घटनाएं घटी है और भविष्य में नहीं घटे। इसके चलते हर संबंधित थाना को इसके लिए निर्देश दिया गया है कि अपने संबंधित क्षेत्र से जो भी वाहन चला रहे हैं उनके उस थाना में कोडिंग करवाया जाए ताकि उनका सही सत्यापन हो सके, आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, उनका जो भी सही का ऑनर बुक हो, ताकि कोई अगर क्राइम चाहे छिनतई की घटना कभी कभी घटती है तो इससे पहचान उनकी हो सके। इन जगहों पर हम लोग अभियान चला रहे हैं, जगह जगह फिर सिपारा पर भी अभियान चलाएंगे, इसका मीठापुर के पास में चलाए, करबीगहिया में भी चलाए हैं और विभिन्न जगहों पर प्रतिदिन अभियान की कार्रवाई की जाएगी। अभी शीशा का भी अभियान हम लोग चलाए, ब्लैक शीशा लगाए हुए थे उन पर समन की कार्रवाई अभी जस्ट तुरंत की गई है। अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, बताने के अनुसार नियमों को तोड़ रहे हैं, वैसे लोगों पर अभी जस्ट हम लोग 18 वाहन को जब्त किए हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि बीच रोड पर ही लगा के वाहन को जमा कर देते हैं, तो लगाने से ट्रैफिक जाम की समस्या बन जाती है, दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग अभियान चलाकर इनको एक तो नियम कानून की जानकारी दे रहे हैं, नहीं लगाने के बाद इन पर हम लोग समन की कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक के कितने ऑटो, कितने फोर व्हीलर और क्या क्या गाड़ियां जो जब्त की है? आज 18 टेम्पू हम लोग जब्त किए हैं और एक अभी कार को जो काला शीशा था उस पर समन की कार्रवाई किए हैं। प्रतिदिन समन की कार्रवाई, जो इस तरह से अवैध रूप से वाहन चला रहे हैं बिना लाइसेंस के उन पर समन की कार्रवाई की जा रही है। अगर इसके तहत लोग आते हैं तो उन पर कितने जुर्माना जो है कसे जाते हैं? लाइसेंस का 5,000 का हम लोग जुर्माना करते हैं और बाकी जो और भी नियम, नो पार्किंग का लगाए उनको 500 का हम लोग जुर्माना करते हैं। उसके बाद भी अगर और दूसरा कोई कारण हो तो जो अगर कागजात उनके फेल हैं, अगर उन पर आगे बैठे हुए हैं आदमी, तो प्रति व्यक्ति
₹200 की तरह से अलग फाइन कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोडिंग का फाइन होता है, इंश्योरेंस का कागजात हम लोग चेक कर रहे हैं उसकी फाइन कर रहे हैं। ये आदेश है, सरकार का आदेश है, नियम सरकार के आदेश नियम कानून के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। ठंड में हमारे सभी जवान लगे हुए हैं और नियम का पालन करवा रहे हैं। देखिए कड़ाके की ठंड में हम सब रजाई में सिमटे रहे, लेकिन पटना के जो ट्रैफिक डीएसपी हो उनके साथ जो भी अंगरक्षक एक तरह से कहा जाए कि जो भी हैं, वह पटना की सड़कों पर जो है नियम का पालन करवाते नजर आ रहे हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि जिस तरह से अभी क्राइम का जो ग्राफ है वह तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ कई ऐसे भी वाहन हैं जो नियम पूर्वक गाड़ी नहीं चलाते हैं, बताने के बावजूद वैसे लोगों पर जो है अगर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो आने वाले समय में जो है और भी इसमें जो है बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।